12 तारीख को प्रातः काल अमावस्या नहीं है। 14 से 11:44 तक चतुर्दशी है, और भगवान को केवल ज्ञान जो हुआ वो अमावस्या के 14 के अंतिम पहर में हुआ। तो या तो भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान आपको 11:44 पर मोक्ष लाड़ू चढ़ाओ, मोक्ष लाड़ू, क्योंकि अमावस्या नक्षत्र के अनुसार अमावस्या के मुहूर्त पर चढ़ना चाहिए। 14 से रत्ती आया है, वो भी 14 का अंतिम पहर लो लगभग 11 के लगभग पड़ेगा। यदि 11 हम भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष करते हैं तो बेला की अपेक्षा से देखा जाए, तिथि की अपेक्षा न देखा जाए, तो भगवान महावीर स्वामी को सूर्य की किरण निकलते हुए मोक्ष हुआ था। और 11 कैसे करो मोक्ष, तो उनको सूर्य, तो तिथि को गौण करके सूर्य की किरण की मुख्यता रखो, और वो जो है स्थिति दोनों 13 को बन रहे हैं। सभी पंचांगों में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक, वैष्णव लोगों के ब्राह्मण के पंचांगों में भी लिखा है कि महावीर स्वामी का निर्माण मोक्ष कल्याणक 13 के प्रातःकाल है। सभी भारत के लोगों से मेरा कहना है भगवान के निर्माण लाड़ू को प्रातःकाल 13 के प्रातःकाल चढ़ना चाहिए, आगम के सब विधि के अनुसार। अब रही घर की दिवाली, वैष्णव लोग जो हैं रात में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस किसी भगवान से संबंध रखने वाला नहीं है, कोई मोक्ष आदि से संबंध नहीं रखने वाला, वो रात्रि में करते हैं। तो उनको रात्रि में 13 को रात्रि में अमावस्या है ही नहीं, इसलिए वैष्णव लोगों को तो 12 को ही दिवाली मनाना चाहिए उनके अनुसार। लेकिन जैनियों के लिए दिवाली 12 को कदापि नहीं मनाना चाहिए, कदापि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष होने के बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था प्रद्योष काल में, प्रद्योष काल यानी दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। जब उनको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है, कई लोग कहते हम ये दिवाली घर की 12 को मना लें, निर्माण लाड़ू चढ़ा दें, काहे के लिए, मिथ्या था, क्योंकि आपका तो पर्पस केवल ज्ञान से है। आपने जैन दिवाली नहीं मनाई, वैष्णव दिवाली मनाई, और जैन दिवाली तो 13 भगवान को मोक्ष हुआ 13 को, तो सारे जैनियों के घरों की दिवाली 13 को दोपहर में 1:30 से 4 का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अच्छी लग्ने आ रही हैं, सब लग्नों से दिखा लिया, 1:30 से लेकर 4 के बीच में आपको ग्रह पूजन करना है, घर में पूजन करना है, गौतम गणधर की पूजन करना है, उनकी पूजन आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, सब पे डली हुई है, और किताबें वगैरह भी खूब छपती है। शिविर में आपको जिन पूजा मिलती है उसमें पूजन विधि लिखी हुई है। तो दिवाली के दिन आपको 13 को दोपहर में 1:30 से 4 के बीच में सभी के लिए, सभी प्रांतों का निकाल दिया लगभग, तो ये सबके दिवाली पूजन का मुहूर्त आपको बताया। फटाके दिवाली पर छोड़ना नहीं, फटाके दिवाली के दिन छोड़ना सबसे अशुभ है शास्त्र के अनुसार, हिंसा के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, धर्म के अनुसार नहीं, शगुन के अनुसार, क्योंकि बारूद ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ कही है। बारूद दिखना, बारूद जलना, बारूद प्रस्फुटित होना ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ कहे गए तीनों चीजों में, इसलिए फटाका बारूद से बनता है। आप दिवाली पर खुशी नहीं मना रहे हैं, आप शगुन कर रहे हैं, क्योंकि बिना बारूद के कोई फटाका, और बारूद का फूटना और बारूद का देखना, बारूद का ढेर भी देखने के लिए अपशगुन कहा है, तो इसलिए फटाके आदि का तो प्रयोग करना ही नहीं।